बाकी बिहारी की महिमा का बखान करने वाले बाबा रसिका का हुआ निधन, शिष्यों में शोक की लहर। ठाकुर बांके बिहारी की महिमा का बखान करने वाले ब्रज के प्रसिद्ध भजन गायक बाबा रसिका पागल का शनिवार की देर रात निधन हो गया। बाबा की खबर से रसिक भक्त समाज में शोक की लहर फैल गई है। बाबा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लगभग सत्तर साल की उम्र में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। पारिवारिक जीवन त्याग कर हरिदासी संप्रदाय में जीवन व्यतीत करने वाले बाबा रसिका पागल के भजन आज भी उनके भक्तों में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। कई शिष्य तो आज भी बाबा के भजनों के माध्यम से पागल के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें चित्र विचित्र मोहिनी शरण दास भी मुख्य रूप से शामिल हैं। मनोज वृंदावन, समाचार 24। रसिक दास जी हमारे प्रशिष्य थे, हमारे नाती शिष्य थे। वृंदावन में ही इनका जन्म हुआ और बिहारी जी के रंग में ऐसे रंगे, स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा के रस के रंग में ऐसे रंगे कि इनका नाम तो रसिक दास था, और ये रस में ऐसे डूबे कि लोगों ने इनका नाम रस का पागल कर दिया। शौक में ये इतने रस में पागल हुए। इनके रचित पद लोगों को बड़े भाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं और उन पर लोग नाचते हैं, थिरकते हैं। बहुत लंबे समय से आप बीमार चल रहे थे, डायबिटीज के रोगी थे और डायलिसिस पर चल रहे थे आप। संत सेवा में वृंदावन के प्रति निष्ठा, बांके बिहारी के प्रति निष्ठा और स्वामी हरिदास जी के प्रति निष्ठा उनके अंदर जो थी वो एक अवर्णनीय निष्ठा थी। जब भी कभी कोई संत जाता तो उनका सम्मान वो बड़े ही भावपूर्ण हृदय से करते थे। ऐसे रसिक दास जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके नहीं रहने से पूरा ब्रज, उनसे देश विदेश से बहुत लोग जुड़े हुए थे। जहाँ जहाँ लोगों को सूचना मिल रही है मोबाइल के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के द्वारा, वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और इस अपूर्ण क्षति को पूर्ण नहीं किया जा सकता। ऐसे रसिकदास जी आज वो श्री स्वामी हरदास जी की परंपरा को विधिवत निभाते हुए आज इस धराधाम को छोड़ करके नित्य निकुंज प्रवेश कर गए हैं। ये रसिकदास जी की यात्रा हमारे आश्रम हरिदास नगर से होती हुई बांके बिहारी मंदिर जाएगी। बांके बिहारी मंदिर उनकी इच्छा थी कि मुझे बांके बिहारी जी महाराज का प्रसादी चरणोदक और दो पुष्प मेरी अर्थी पर डाले जाएं, और उसके बाद निधवन राज जहाँ से स्वामी हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है और स्वामी जी की जो भजन स्थली है वहाँ जाएगी, वहाँ की रज उनको प्राप्त कराई जाएगी, और उसके बाद स्वामी जी की परंपरा का जो स्थान है टटिया स्थान वहाँ जाएगी, और वहाँ से ये यात्रा अंतिम रूप लेती हुई और शमशान घाट सुदामा कुटी के सामने पहुँचेगी।